जब विचारों में श्रद्धा और उत्साह का भाव प्रबल होता है तब कठिन और जटिल कार्य में भी भार का अनुभव नहीं होता, किंतु जब इनका अभाव होता है तब छोटा सा कार्य भी अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। बहू रानी शिक्षित थी पर संस्कारी नहीं थी। उसकी सास ने रसोई बनाते हुए उसे चटनी पीसने के लिए एक छोटा पत्थर लाने को कहा। बहू रानी ने सुनते ही उत्तर दिया, माताजी मैं बड़े घर की बेटी हूँ, आज तक मैंने कभी पत्थर नहीं उठाया, मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती, मुझे आप पत्थर उठाने का कभी मत कहना। सास समझदार थी, एक शब्द भी नहीं बोली, स्वयं पत्थर ले आई और अपना काम कर लिया। भोजन के पश्चात सास ने सोचा, पुत्रवधू की प्रकृति में सुधार होना जरूरी है, इसका स्वभाव बदलना बहुत आवश्यक है, समय बीतने के बाद परिवर्तन कठिन हो जाएगा। उसने एकांत में अपने बेटे को सारी बात बतलाई, सारी स्थिति को समझाया। पुत्र ने कहा, माँ आप निश्चिंत रहें, मैं किसी युक्ति से इस समस्या का समाधान कर लूँगा। पुत्र विवेकवान था, उसने जमाने की फैशन के अनुसार एक वजनदार आभूषण बनवाया, उसके भीतर एक छोटा पत्थर भी रख दिया, ऊपर से सोना चमक रहा था, वह गहना उसने अपनी पत्नी को दिखलाया। देखते ही उसने कहा, यह बहुत सुंदर है, इसे मैं पहनूंगी। जब उसने 3-4 बार मांगा तो अवसर देखकर पति ने कहा, इसमें तो बाहर बहुत अधिक है, इसे तुम कैसे उठा पाओगी इतने वजन को। पत्नी ने कहा, इतना वजन तो छोटा बच्चा भी उठा सकता है, मैं तो इससे कई गुना अधिक वजन उठा सकती हूँ। अब पति ने कहा, जब मेरी माँ ने तुमसे वह पत्थर मंगवाया तब तो तुमने कहा था कि मैं बड़े घर की बेटी हूँ एवं मैंने कभी पत्थर नहीं उठाया, इस आभूषण में भी तो पत्थर जड़ा हुआ है। सुनते ही पत्नी समझ गई, उसने सोचा इस गहने का निर्माण मेरी गलती सुधारने के लिए हुआ है, उसने अपनी त्रुटि स्वीकार की और भविष्य में किसी भी कार्य के लिए इनकार नहीं करने का संकल्प किया। पति ने प्रसन्नता से वह गहना पत्नी को दे दिया, सदा के लिए समाधान हो गया। जब मन में उत्साह नहीं था तो पुत्र वधु को पत्थर उठाना कठिन और दुखद प्रतीत हो रहा था, और जब मन में रुचि और आकर्षण का भाव जागृत हुआ तो उसको वही कार्य बिल्कुल सहज और सरल अनुभव होने लगा। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।